सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। बताइए आप सब ठीक हो भैया? टाइम हो चुका है फिलहाल, बज रहे शाम के 5, ठीक है। काम स्टार्ट कर रहे हैं आज अभी इस टाइम से, क्योंकि राकेश भी बिजी था, थोड़ा सा मैं भी बिजी था, मेरा एक शूट था मैंने वो निपटाया है, बाकी ये आ चुके हैं। और जो हमारा वेल्डिंग वाला जो बंदा है वो भी था, क्योंकि वेल्डिंग का काम यार हम खुद नहीं कर सकते। उसके पीछे का रीजन आपको बता दिया कि आंखों में चौंधा लगता है और आंख खराब करनी नहीं है, एक कह रहे चक्कर में हाथ वाथ तो देखो मैं सही दूँ, कट पटा लिया मेरे हाथ में तो बहुत सा। आ जाओ। तो सीन ऐसा है कि अभी नीचे वो आ चुका है तो काम स्टार्ट कर लेते हैं। अब भाई देखो, तुम भी सोचते होगे जो भाई क्या कर रहे हो, तुम्हें दिखेगा, बट जो ये अंदर वाले काम है ना ये आपको नहीं दिखेंगे, आपको दिखेगा जाकर जब हम इसका इंटीरियर करेंगे, तब आपको सच में समझ में आ जाने लगेगा कि हाँ ये कैरावेन में काम बहुत जल्दी और बहुत जोरों शोरों से हो रहा है। अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम के साथ हम भी लगेंगे। अब हम सोच रहे हैं इसके जो ऊपर के पैनल हैं और जो इसकी रूफ के पैनल हैं वो हम ले आते हैं जाके और करते काम स्टार्ट इसका आज। धरती पर कोई बात नहीं है, या कि गाड़ी मोटरसाइकिल पंचर हुई है 1 बजे की, अरे 1 बजे तक अब तक ये आदमी पे है मीनो काम था वो, इसने काम स्टार्ट कर दिया अपना, ठीक है। अब हमारा काम है जाके सामान लेके आना और डक्टिंग का जो वहाँ से कनेक्टर वाला चीज है वो लेके आनी है। सेकंड चीज के ऊपर के पैनल ले आएंगे आज। मोस्टली कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको पूरा आज इसका रूफ फाइनल कर दे, कोशिश रहेगी मतलब पूरी तरह से अपनी ओर से हम पूरा ये दे रहे हैं कि हाँ कर देंगे फाइनल। तो भाई मैं बम्बू और राकेश अभी चल दिए हम सामान लेने के लिए, तो उसके ऊपर के पैनल और एक जो डक्टिंग का सामान वो और कुछ प्लाई बोर्ड आएंगे वो भी लेने जा रहे हैं हम। तो मगर आज इसका रूफ का कोशिश करेंगे और पूरा ये करेंगे कि आज इसका पूरा ही हम कंप्लीट निपटा दें, चाहे हम रात के 1 बजे कुछ ना हो भाई, हम पुलिस वाले लड़ाई वड़ाई बाजी है तो जोमेटो में मेटो वाला लड़ रहा है भाई। इलेक्शन के लिए तो ऐसे ऐसे फार्म भर रखे हैं, मैं कह रहा हूँ हद तो तगड़े तगड़े। ओ भाई साहब नूर नू, अरे जब ये है ना इनके रोड की बात आवे, मैं कह रहा हूँ भगवान कसम, ये देखिए क्या हाल हो रखा है, देखो रोड के साइड में देखियो, देखो खड्डे देखो रोड में, ट्रक लिगड़ने के काम है, छोटी गाड़ी लिगड़े ना, ये हाल गुड़गांव के रोडों के। इलेक्शन में पूरे फार्म भर रखे हो, मैं किसी वो चीज बता रहा हूँ भाई, काम हिसाब से काम नहीं हो रहा इनका कुछ भी ना भाई, अपना घर भर रहे इलेक्शन वाले। भाई मैं एक चीज बोलूंगा कि इलेक्शन ठीक है, अच्छी चीज है, वोट करनी चाहिए, बट वोट के साथ उन लोगों को काम भी करना चाहिए, काम के हिसाब से काम देना चाहिए। मैं कह रहा हूँ भाई हमारा पहाड़ का इतना बुरा हाल कर दिया है, कचरा डाल डाल के रोडों के गाँव में, मैं कह रहा हूँ पानी निकलने की जगह नहीं है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ बनने के बाद कोई बंदा झांकता नहीं है गाँव की तरफ, तो आता ही नहीं है भाई। और वोट मांगने के लिए, वोट मांगने के टाइम पे तो भाई साहब ऐसा लगा ला कति खास है, और जैसे अगर बन गया फिर तो मतलब वो लगा लो भटके बनाएंगे देखने को, ना ये देख रहे गाँव में नाली क्या है, पानी की दिक्कत है, बिजली की दिक्कत है भाई, रोड की दिक्कत है, रोड खुदे पड़े हैं, कुछ भी नहीं। मैं कह रहा हूँ अगर थोड़ी सी बारिश हो जाती गांव के अंदर से जो दूसरा रास्ता है उधर से निकला नहीं जाता, कोई मतलब ही नहीं है। क्यों इलेक्शन जीतने के बाद तो कोई मतलब ही नहीं है भाई किसी से भी। मैं कह रहा हूँ वोट मत दो, नोटा में दबा दो अब की बार सारे, ठाक है जो बढ़िया रह जाए, इन्हें पता लग जाए कि हम लड़ दो वोट, क्योंकि किसी को भाई कंप्लेंट डालो किसी को फर्क नहीं पड़ता ना भाई, नगर निगम को फर्क पड़ता है, नगर निगम कोई मतलब नहीं है भाई, वो वाली बात है। जब इलेक्शन आएंगे जब थोड़ा बहुत 19-20 करके दिखा देंगे, वक्त बाद वे भी नो रोम रोम है, उनको कोई मतलब नहीं है। भाई फिलहाल हमने पैनल ले लिए, अब दो पैनल लिए हैं हमने, एक टेस्ट करके देख लेंगे जौन सा बढ़िया लगेगा, मतलब कि दोनों ही अच्छे लिए अपने हिसाब से, बट जौन सा बढ़िया लगेगा और जौन सा फिक्स आएगा और जौन से में मतलब कर्व हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत कर्व है उसमें, तो उस हिसाब से हमने सारी चीजें ली है। बाकी चलो फिलहाल घर चल रहे हैं, पहले और सामान लेना है वो भी लेके और आज कंप्लीट कर ही देते हैं आधी सारी चीजें। तो भाई हम जो लेके आए थे ना एक पैनल, इसको एक बार यूज करके देख लेते हैं कि ये हम जो लेके आए हैं सही है या खराब है, मतलब खराब तो क्या ही होंगे, मतलब कि हमारे जो अकॉर्डिंगली फिक्स बैठेंगे। तो भाई लाइट की थोड़ी सी इशू चल रहे हैं, एक तो लाइट मंगाऊंगा इन पे मैं, बल्ब मंगा लूं ना, लंबी वाली है ना, है जो कैंपिंग को मंगाई जाने, देखो मैं ऊपर है हो जाएगी, छूट हो जाएगी जब ही तो लाए हैं, इतना निकाल लिया अपनी साइड, अपनी जितना पुणे मारा उतना कर ले भाई, ऊपर भी हमें मोज लगाई अंदर या साइड तो टिकाएंगे ना अंदर, तो फिर यू यू तो हमें यहाँ स्पेस किया ऐसा, या कि नीचे नीचे लेनी पड़ेगी सारी चीज। गलेंडर दिए गलेंडर,
ऐसे लगावे फिर ऐसे लगावे सीधे 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 ना आएंगे सीधे फिनिशिंग लाएगी ये बहुत बेस्ट है पता है ये ऐसे ना ऐसे बैंड होगा ऐसे बैंड होगा ऐसे बैंड उसका ऐसे बैंड उसका ऐसे भी ठीक है हां यार छोड़ दो के अंदर लगा दिया सुन यार उल्टा लगाया उल्टा सुन उल्टा ले उल्टा घुमा यार ऐसे लगा बोर्ड कनेक्शन इंग्लिश साइड लगा अभी तो हम सिर्फ टेम्परेरी काम कर रहे हैं मन छोड़ दिए उसको तो भाई फिलहाल अभी हमने चेक किया है जो पैनल हम लेके आए थे वो लगा के वो बिल्कुल राउंड शेप में आ भी गया और अच्छा भी लग रहा है ठीक है देखो तुम यहाँ पे ये आ गया है बट मेन चीज है क्या है कि अब इसको ना हमें ऊपर भी प्लाई ही लगानी पड़ेगी अप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें ना जैसे ये है ना ये देखो ये तो उसमें अब कहीं तो स्क्रू मार सकते हैं अब क्या है कि कहीं इसकी छत ना इवन नहीं है तो अब इवन करने के लिए हमें सेम चीज यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ेगी भाई लगाना बहुत भारी होता है तो भाई फिलहाल अभी हम ना प्लाई काट के और जो हम इसका फ्रेम बना रहे हैं जैसे हमने साइड में बनाया जैसे ये बना रखा है सेम हम ऐसे ही बनाएंगे अभी हमने टेम्परेचर लगा के देखा है कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में आ गया बता सकते हो अगर चेंज करना है तो अभी हम चेंज भी कर सकते हैं बाकी अभी ऊपर का फ्रेम कर लेते हैं बोर्ड से जिप्सम बोर्ड से ही बोर्ड करेंगे बट ऊपर हम आज इसमें वो भी रखेंगे फोम रखेंगे क्योंकि इंसुलेशन जरूरी है भाई देखो सारी चीज़ें सही है सब कुछ सही है अभी हमें रूफ का भी आ गया सब कुछ समझ में आ गया बस हमारा एसी का जो डक्टिंग है ना वो समझ में नहीं आ रही है इस एसी के फ्लो को कैसा मोड़ा जाए और हम मोड़ने के लिए इसलिए बोल रहे हैं कि इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो हमारा जो फ्लो है एसी का बेसिकली वो ज़्यादा नीचे ना आए और जो ये हमारा ये है इसी के अंदर रह जाए तो वो चीज़ समझ में नहीं आ रही अभी हमने कुछ जुगाड़ बनाने की कोशिश की वो भी नहीं बन रहा है हाथ वाथ भी कट कटा लिया हमारे तो यार सब चीज़ हो गई है सब चीज़ कर लेंगे वॉशरूम का ये फ्रेम बन चुका है और अंदर का भी कंप्लीट हो चुका है मतलब हमें पैनल्स भी हमने समझ में आ गए कौन से लगाने कौन से नहीं लगाने 5 बजे से 9 बज गए 5 बजे से ऐसे ही 9 बज गए बट अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है एसी का सिस्टम समझ में नहीं आ रहा बस क्या कहते हो क्या करना चाहिए एसी का कुछ और चीज देखेंगे ये सही है ये अपनी जगह बिल्कुल सही है बट मेन चीज यहाँ से करेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए जो एसी के हवा को इतना और ऐसी कोई चीज मिलनी नहीं जो इतना बैंड हो जाए हमसे जिसको हम बैंड कर सके तो वो हमें समझ में नहीं आ रहा है बेसिकली या तो हमें किसी जो डक्टिंग करते हैं जो घर में डक्टिंग करते हैं उनकी हेल्प लेनी पड़ेगी इसमें बट देखते हैं अगर वो मिलता है कोई बंदा नहीं तो फिर भाई कोई और जुगाड़ देखेंगे क्योंकि ये चीज़ समझ में नहीं आ रही सिर्फ हमें ये फ्लो यहाँ पे लेके आना है इतना समझ में नहीं आ रहा अब जब बहुत लोग बोल रहे हैं कि जो भाई जुगाड़ 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 देखो मैं आपको चीज़ समझाता हूँ इंडिया के अंदर ना सब चीज़ें नहीं मिलती है आप समझ रहे हो आपको आधी ज़्यादा चीज़ें जुगाड़ से ही करनी पड़ती है अगर आप बाहर देश से कंपेयर करें तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें आराम से मिल जाती है यहाँ नहीं मिलती है और ऐसे यहाँ पे कोई ऐसे लोग बनाते भी नहीं है बट अभी और कुछ सोच रहे हैं कि अभी दिमाग में कुछ आ जाए और जो ये हमें सिर्फ इतना है कि ये यहाँ से ही कनेक्ट करना है ये फॉर्म हट जाएगा और यहाँ पे हमारे ऊपर फिर पीवीसी सीट आ जाएगी ये सारी चीज़ें हमें करनी है अब देखो समझ में नहीं आ रहा है सच में अभी तक तो अगर आपके दिमाग में कुछ भी ऐसा है कि जो ये कनेक्ट होकर यहाँ कनेक्ट हो जाए तो वो बता देना बाकी तो और कोई ऑप्शन है कंफ्यूज हो गए और ज्यादा इतना सारा ये दाग अच्छे हैं पाइप ले आए अब रूफ को भी हम कवर कर लेंगे बट हमें सबसे पहले ना एसी की डक्टिंग के लिए हमने बाकी सारी चीज मतलब जो रूफ में प्लाई लगेगी वो हम कल लगाएंगे बेसिकली बट हमने इसी नहीं लगाई क्योंकि पहले इसका काम करना है अब यार ऐसी कोई शीट नहीं है जिसके अंदर से हम इसको कर सके या फिर जिसको हम इतना बैंड कर सके जैसे हमने ये पाइप हम वो चिमनी पाइप लेके भी आए थे बट ये नहीं बैंड हो पाया और ये फट जाता है जितना थोड़ा सा करते हैं जैसे देखो ये दिखाओ मैं आपको इतना बड़ा पाइप हम यूज़ नहीं कर सकते इसके पीछे का रीज़न है कि फिर ये 4 इंची गया तो फिर इससे तो अच्छा हम वो ही लगा ले जो इसके साथ आया था तो किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है प्लीज़ बताना कमेंट में ज़रूर
तो भाई ये तो हमारे को, आप बताओ कमेंट में कैसी लग रही है ये वाली चीज है, मेरे को समझ में आई है और ये सही भी है, फिक्स भी है और बिल्कुल बैंड भी हो गई हर तरीके से। बस मुझे एक चीज बता दो कि ये अच्छी लग रही है या फिर हमें कलर पूरा प्रॉपर पूरा व्हाइट जाना चाहिए या फिर कोई और डिजाइन इस पे ऐड करना चाहिए। चलो ये भी देख लेना। सेकंड चीज है मुझे डक्टिंग का बता देना। बाकी तो आज का तो ये भी लेके आए थे हम और पाइप भी लेके आए थे, बाकी सामान जो हमारा वॉशरूम का जो बैंड बैंड है वो सब चीज हो चुकी है यार। अब मेन जो हमारे पास जो मेन टास्क है ना वो सिर्फ यही है कि इसको हम कैसे मोड़ के और इसमें फ्लो लाए, क्योंकि वो चीज ही समझ में नहीं आ रही, बाकी चीज हमें सब कुछ समझ में आ गई है।